हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्क्वेयर। आज आप एक नए वीडियो के साथ आए हैं। कॉन्क्वेयर एक नया इनिशिएटिव आप सब एस्पिरेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे फॉर द प्रीलिम्स 2020 परस्पेक्टिव से। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट सोर्सेस फॉर प्रीलिम्स 2020। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि अभी 100 डेज ही हमारे पास बचे हैं प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इम्पोर्टेंट सोर्सेस हमें पता नहीं होते कि इस 100 डेज में हमें इम्पोर्टेंट सोर्सेस कौन से पढ़ने हैं। तो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव मटेरियल हमें इस 100 डेज में पढ़ना होता है, क्योंकि हम देखते हैं मार्केट्स में एन नंबर ऑफ सोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन 100 डेज में हमें क्या पढ़ना है। काफ़ी सीनियर्स बताते हैं आप ये पढ़ो ये पढ़ो, तो काफ़ी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चलता हमें कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है इस 100 डेज में। तो कॉन्क्वेयर आपके लिए एक बेस्ट वीडियो लाया है आज। देखते हैं इम्पोर्टेंट सोर्सेस क्या है हमारे प्रीलिम्स 2020 के परस्पेक्टिव से। सो ये वीडियो कवर करेगा दोनों भी सोर्सेस, यानी जनरल स्टडीज के लिए पेपर वन के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट सोर्सेस क्या है, और उसके साथ साथ सीसेट के लिए आपको क्या पढ़ना है। सीसेट भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें 66 मार्क्स 33% हमें लेने होते हैं। अगर वो नहीं ले पाते हैं हम तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो सीसेट के लिए भी हमें फोकस करना है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट सोर्सेस हमें पता होनी चाहिए। तो जीएस के लिए पहले तो हमें इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी पता होनी चाहिए। बहुत सारी एनसीईआरटी है 6th to 12th की, तो उसमें से ही अभी इस 100 डेज में हमें कौन सी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी पढ़नी है जो कि हमारे प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। सिर्फ वही एनसीईआरटी हमें पढ़नी है। तो पहले देखते हैं ज्योग्राफी के लिए आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो 6th to 8th स्टैंडर्ड की जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो आपको पहले पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़नी है 11th स्टैंडर्ड की ओल्ड एनसीईआरटी। ये बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी पर है, लेकिन इसके साथ साथ ये 11th की एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आपको एटलस भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी आपको तभी समझेगा, तभी उसको आप अप्लाइड कर पाओगे जब आपको आप उसके साथ एटलस भी साइडली कर पाओगे। ओके, उसके साथ 11th और 12th स्टैंडर्ड की न्यू एनसीईआरटी भी आपको करनी है, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर बेस्ड है। उसके बाद देखते हैं हिस्ट्री के लिए आपको 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसके साथ साथ बुक ऑफ तमिलनाडु बोर्ड ये भी पढ़ना है। उसके बाद एनवायरमेंट के लिए है 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी की न्यू एनसीईआरटी, और इसके सिर्फ लास्ट चार चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं, नॉट टू रीड द होल बुक। पूरा बुक आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ लास्ट 4 चैप्टर्स जो कि आपके प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9th एंड 10th स्टैंडर्ड की आईसीएसई बोर्ड की जो बीटा पब्लिकेशन की बुक आती है वो आपको पढ़नी है एनवायरमेंट के लिए। उसके बाद पॉलिटी के लिए 11th स्टैंडर्ड की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एक ही एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रेफरेंस बुक सीधा आप पढ़ सकते हो। उसके बाद इकोनॉमी के लिए है 12th स्टैंडर्ड की मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो न्यू एनसीईआरटी है वही एक पढ़नी है। उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे इकोनॉमी के, वो आप अच्छे से कर पाते हो तो आपको रेफरेंस बुक्स या फिर करंट अफेयर्स अच्छे से समझेगा, और आप इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस काउंटर कर पाओगे। उसके बाद है आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको एक ही एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंट है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट 11th स्टैंडर्ड की न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इसमें इम्पोर्टेंट आर्ट्स वगैरह दिए हैं हमारे इंडिया के, तो इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के आते हैं, तो एक ही एनसीईआरटी आपको इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गई थी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी। इससे ज्यादा एनसीईआरटी आपको इस 100 डेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी इतनी ही एनसीईआरटी आप अगर अच्छे से कवरअप कर पाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवरअप हो जाएंगे प्रीलिम्स 2020 के परस्पेक्टिव से। इसको ही आपको थोरोली कॉम्प्रोहेंसिवली इसके नोट्स बनानी है, इसको थोरोली पढ़ना है, और इसको एन नंबर ऑफ टाइम जितनी बार आप प्रीलिम्स के पहले इसको रिवाइज कर पाओगे इसके नोट्स बना के, उतना अच्छा है, उतना रिवीजन आपको करना है। अगर ये भी कर पाते हो, अगर नहीं भी होता एनसीईआरटी से,
और एनसीईआरटी कवर अप करने के बाद भी आपको लगा कि रिवीजन हमें करनी है, इसके लिए हमें सिनॉप्सिस की जरूरत है, जिस जगह हमें ऑल एनसीईआरटी का एक सिनॉप्सिस मिलेगा, तो मलुका आईएएस के द्वारा सिनॉप्सिस ऑफ ऑल एनसीईआरटी अमेजोन पे अभी अवेलेबल है। जो दिल्ली के स्टूडेंट है उनको बुक स्टोर्स पे भी ये सिनॉप्सिस मिल जाएंगे। तो इसमें काफी कॉम्प्रहेंसिवली आपके ऑल एनसीईआरटी कवर अप कर चुके हैं हम, तो ये आप सिनॉप्सिस जरूर खरीदिए, इससे आपका काफी रिवीजन होगा एनसीईआरटी का। सो नेक्स्ट देखते हैं रेफरेंस बुक्स क्या है हमारे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जीएस के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए आपको जीसी लियोंग की बुक पढ़नी है पार्ट सेकंड, क्योंकि पार्ट वन जो है वो ऑलरेडी आप कवर कर चुके होंगे एनसीईआरटी से, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट जो है वो, तो पार्ट वन जो है जीसी लियोंग का वो ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी पर बेस्ड है, तो वो ऑलरेडी आपने कवर अप कर चुका होगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तब। सो हमें पार्ट सेकंड ही पढ़ना है, पार्ट सेकंड भी आफ्टर फर्स्ट 90 पेजेस के बाद। उसके बाद खुल्लर की बुक है, खुल्लर की बुक तो बहुत बड़ी है 100 पेजेस के नियर अबाउट, तो उसमें से 30-40 पेजेस ही हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो मार्क किए जाएंगे मलुका सर से, और इसकी वीडियो कॉन्क्वेयर हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो खुल्लर के आपको 30-40 पेजेस भी पढ़ने हैं और वो आपको वीडियो मिल जाएगा कॉन्क्वेयर पे। उसके बाद हिस्ट्री के लिए आपको एंशियंट मीडियल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमने मलुका आईएएस के द्वारा एक नया बुक लॉन्च किया है जो टू द पॉइंट बुक है, अवेलेबल है ऑन द अमेजोन नाउ, हार्डली 150-180 पेजेस का ये बुक है, जिसमें एंशियंट मीडियल मॉडर्न टोटल कवर अप कर चुके हैं, नो नीड टू गो फॉर अनदर बुक। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमारे पास वक्त है और हम दूसरा बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम का पढ़ सकते हो। उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए शंकर आयस की बुक है और इग्नू का नोट्स है। शंकर आयस बुक्स और शंकर आयस के बुक की जो पेजेस की मार्क है वो मलुका सर के द्वारा दी जाएंगी, वो कॉन्क्वेयर पर आपको वीडियो मिल जाएगा। इग्नू नोट्स भी काफी बड़ी बुक है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पेजेस है वो भी मार्क किए जाएंगे बाय मलुका सर, और ये भी वीडियो आपको कॉन्क्वेयर पर जल्दी मिल जाएंगी। उसके बाद पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक है, अभी काफी बड़ी बुक है वो, लेकिन हमें पता नहीं होता कि अभी ये 100 डेज में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो ये भी लाइंस जो है इंपॉर्टेंट लाइंस एम लक्ष्मीकांत की ऑफ ऑल बुक विल बी मार्क बाय मलुका सर एंड इट विल बी अवेलेबल टू यू ऑन कॉन्क्वेयर चैनल। उसके बाद इकोनॉमी के लिए आप सोर्सेज यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड सोर्स है कुछ, मृणाल का सोर्स आप यूज कर सकते हो। उसके बाद रमेश सिंह जो बुक है काफी बड़ी है, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट पेजेस है वो मार्क किए जाएंगे मलुका सर के द्वारा, और ये वीडियो आपको जल्द ही कॉन्क्वेयर पर मिल जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक में आपको पढ़ना होता है, इम्पोर्टेंट जो होता है वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट, जो इस साल का भी बजट पब्लिश हुआ है उसका इकोनॉमिक सर्वे और बजट हमें पढ़ना होता है कॉम्प्रहेंसिवली। इसकी भी एक वीडियो मलुका आईएएस के द्वारा बनाई जाएंगी, उस पर डिस्कशन होगा और उसका जो वीडियो है वो आपको कॉन्क्वेयर पर जल्द ही मिल जाएगा। उतना भी आप कर लेते हो तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपका काफ़ी अच्छे से हो सकता है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए देखते हैं, नितिन सिंघानिया की बुक है लेकिन काफ़ी बड़ी है, एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे, उसके बाद नितिन सिंघानिया की पूरी बुक जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बुक है वो, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट पेजेस है वो मार्क किए जाएंगे मलुका सर के द्वारा, और ये वीडियो काफी जल्दी आपके हमारे कॉन्क्वेयर चैनल पर आ जाएंगे। उसके बाद साइंस टेक के लिए आपको कुछ भी सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जो करंट अफेयर्स कवर अप करने वाले हैं कॉन्क्वेयर चैनल पर, उतना भी आप कर रहे हो तो काफी आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक कवर अप हो जाएगा। हम नियर अबाउट जून 2019 के बाद का करंट अफेयर्स कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर रहे हैं कॉन्क्वेयर चैनल पर, सो यू नीड नो नीड टू रीड एनी अनदर सोर्स फॉर द साइंस एंड टेक। सो ये थी रेफरेंस बुक्स फॉर जीएस पेपर। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीसैट का, जिसको हम मेनली इग्नोर करते हैं प्रीलिम्स के लिए,
और इसी वजह से काफी बच्चों का जो सिलेक्शन है प्रीलिम्स में वो काफी ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि वो सीसेट पर फोकस ही नहीं करते। सीसेट पर मेनली हमें पता है कि हमें 33% सॉल्व करना है, यानी 66 मार्क्स हमें क्वालिफाई होने के लिए चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हार्डली हमें 28 क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। तो तीन ही टॉपिक्स अगर हम अच्छे से कवर अप कर पाए तो हमारे नियर अबाउट 50+ क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे, जिसमें है कॉम्प्रहेंशन, सेकंड पार्ट होता है रीजनिंग का, और थर्ड पार्ट होता है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल्स का, यानी बेसिक न्यूमेरेसी एंड मैथमेटिक्स का। ये तीनों सोर्स अगर हम अच्छे से कवर अप कर पाए, हमें ज्यादा सोर्सेस करने की जरूरत नहीं। डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, उसके बाद अदर पार्ट जो होता है वो करने की जरूरत नहीं। अगर तीन ही पार्ट हम इस 100 डेज में अच्छे से कवर अप कर पाए तो नियर अबाउट 50+ क्वेश्चन हम कवर अप कर पाएंगे। इसके लिए इम्पोर्टेंट सोर्सेस है कि पहला तो आप लास्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारे यूपीएससी के सीसेट के, वो अच्छे से सॉल्व करें। उसके बाद सेकंड सोर्स है कि जो ये कॉम्प्रहेंशन रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिस एंड मैथ्स है, या अरिहंत या फिर TMH, कोई भी एक बुक से कवर अप कर सकते हो। ओके, तो सीसेट के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीन ओनली 3 टॉपिक्स यू हैव टू कंप्लीट, कॉम्प्रहेंशन रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिस एंड मैथमेटिक्स। ओके, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है कि बच्चों को पता नहीं होता कि करंट अफेयर्स कहाँ से कवर अप करें। इतने सारे सोर्सेस है हमारे यहाँ, मैगजीन्स है, अदर सोर्सेस भी बहुत ज्यादा है, और यूपीएससी कहाँ से डालते हैं करंट अफेयर्स, ये हमें पता नहीं होता। तो हम तो बहुत सारे सोर्सेस यूज करते हैं लेकिन करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो ऑल करंट अफेयर्स जो है वो हम कॉन्क्वेयर के द्वारा कॉम्प्रेहेंसिवली फ्रॉम 2019 जून से कवर अप कर रहे हैं, जो आपको हमारे वीडियोस के द्वारा मिलता रहेगा। उसको आप सेक्शन वाइज हम पब्लिश करने वाले हैं, वो कॉम्प्रेहेंसिवली आपके पास हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप उससे भी रिवीजन करते हो तो मोर देन आपका करंट अफेयर्स हम कवर अप करेंगे। वी हैव कलेक्टेड वी हैव कंपाइल ऑल द करंट अफेयर्स फ्रॉम मोर देन 10 सोर्सेस, सो यू नीड नो नीड टू गो फॉर अनदर सोर्स। जस्ट आपको कॉन्क्वेयर पर जो भी वीडियोस करंट अफेयर्स के पब्लिश होंगे वो आपको कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ने हैं, देखने हैं, उसके नोट्स निकालनी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है प्रैक्टिस का, टेस्ट सीरीज, हम कॉन्क्वेयर पर ऑलरेडी वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज जो है क्लासेस की, वो हम जो टेस्ट सीरीज में के इम्पोर्टेंट 20-25 क्वेश्चंस जो रहते हैं, जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वही क्वेश्चंस हम वीडियोस द्वारा कॉन्क्वायर चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हैं। सो ऑल करंट अफेयर्स एंड ऑल टेस्ट सीरीज वी आर कवरिंग ऑन कॉन्क्वायर। ओके, सो यू यू नीड टू गो फॉर अनदर सोर्स। सो आई होप ऑल द सोर्सेस, इम्पोर्टेंट सोर्सेस मैंने शेयर कर दी है। आप इस वीडियोस को शेयर करें अपने जो दोस्त है दिल्ली में हैं, दिल्ली के बाहर रहते हैं, उनके पास ये सोर्स होने चाहिए, उनको शेयर कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।